अस्सलाम वालेकुम, इट्स बीन अ वाइल कि हमने कोई इंटरनेशनल ट्रिप नहीं किया, हम बॉयज़ ने स्पेशली तो, और बर्गन में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बैठे बैठे हम थक गए थे बारिश देख देख के, तो हमने प्लान किया एक छोटा सा इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं एक वीकेंड के लिए। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं भैया? हम लोग जा रहे हैं आइसलैंड, और फिलहाल हम कहाँ हैं? ओस्लो एयरपोर्ट। आइसलैंड जा रहे हैं जहाँ बर्गन से ज्यादा बारिश हो रही है। तो ये चीज हमें टिकट बुक करते हुए रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन जब टिकट बुक कर ली तो पता चला कि वहाँ पर इससे भी ज्यादा बारिश हो रही है। बट जैसा कहते हैं कि आइसलैंड इज अ हेवनली प्लेस, बड़ी खूबसूरत जियोलॉजिकल स्पॉट्स है वहाँ पर। तो लेट्स सी कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। रेकाविक एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और हम लोगों ने गाड़ी बुक करवाई थी, और हमारे ड्राइवर ने कहा था कि आप लोगों को एयरपोर्ट पर नाम के साथ मिलूंगा, तख्ती होगी मेरे पास, लेकिन मजाले कोई नज़र आ जाए हमारे नाम के साथ। हाँ जी, क्या करे हो का? अच्छा जी, तो एयरपोर्ट से हमें इनके रिक्शे में पिक कर लिया है। जो हमने गाड़ी बुक कराई थी वो ना एयरपोर्ट से थोड़ा सा उनका ऑफिस दूर है, तो उन्होंने हमें पिक करना था और उसके बाद यहाँ पर आके हमें गाड़ी मिली। वो अब हम ऑफिस में आ गए हैं, अब हम गाड़ी ले रहे हैं। जो हमने बुक की थी वो नहीं मिली, बट उससे अच्छा एक वर्जन मिल गया, तो गाड़ी आ गई है, लेट्स गो। अच्छा, तो एयरबीएनबी पे आ गए हम लोग, तो हम लोगों ने गाड़ी पिक की है, ये वाली आप लोग देख रहे हैं। गाड़ी बस तकरीबन ठीक ही है, ऑल दो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, और हम लोगों ने वैसे किया स्पोर्टेज बुक की थी लेकिन वो अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने सिमिलर टाइप, खैर टूरिस्ट हैं हम दो दिन के लिए तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, तो अच्छी गाड़ी है, ठीक है। अब आप लोगों को दिखाते हैं एयरबीएनबी जहाँ हम लोग स्टे करेंगे, और उसके बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं कार बताओ? उसके बाद हम जा रहे हैं ब्लू लगून। यप, तो कार क्या हो रहा है इधर? मैं भी ऑफिस और उधर तू। तो बताओ यार, सीन ये है, अभी बीएनबी पे आ गए हैं, खाने-शाने का इंतजाम किया है, बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। खाने के बाद प्रोग्राम ये है कि हमें एक और हमने रूम लिया था, तो वहां जाएंगे, वहां भी चेक इन करेंगे, दो डिफरेंट रूम्स में रह रहे हैं। उसके बाद सबसे फेमस एक्टिविटी जो कि रिकवरी की है, जो है क्या है, ब्लू लगून। तो अब हम ब्लू लगून जाएंगे, स्विमिंग करेंगे और बाकी फिर साथ साथ एक्सप्लोर करते हैं। जिसको ब्लू लगून का नहीं पता वो ये कि हॉट थर्मल वाटर्स है वहाँ पे, जो जिसको गीजर्स भी कहते हैं, वहाँ पे जाएंगे, नेचुरल गर्म पानी निकल रहा है जमीन से। अच्छा जी, तो ठीक है, तुम बेल्ट ना लगाना, हम ऐसे कर जाते हैं। पीछे वाला भी लगाना पड़ता है, ये नहीं। अच्छा, सीन ये है कि हमने बीएनबी वगैरह में चेक इन कर लिया, अबू जरा रूम नंबर 1 बीएनबी में रह रहे हैं, तो मुझे जरा इनसे इख्तलाफ था, तो मैं अलग बीएनबी में रह रहा हूँ। ये इंजीनियर लेकिन यहाँ पे एक हैंड हो गया, जो इनका बीएनबी है वो बहुत ही बाजू हो गए, बहुत ही वीआईपी बीएनबी है, और जो मुझे मिला है बहुत ही टेरेबल सा बीएनबी है। तो लेकिन अच्छी बात यह कि सिर्फ एक रात रहना, होपफुली मैं पूरा दिन इनकी तरफ रह लूंगा, रात अपनी तरफ रह लूंगा। तो खैर एनीवे, एक रात हफ्ते के बराबर गुजरेगी तुम्हारी। बॉयज रेडी? अच्छा, ब्लू लगून जाते हुए हमें एक एक्टिव वोल्केनो नजर आया है, जो कि यू कैन सी हियर एज़ वेल, अभी तक दूर से बहुत बड़ा है उसके, बट एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हवा चल रही है, यू कैन सी पत्थरों से खड़ा नहीं होता हमारे पास। अच्छा बॉयज, ये लावा जहाँ से कोई मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले निकला था, तो उसकी राख के ऊपर खड़े होके चेक कर रहे हैं कि ये इतनी भुरभुरी क्यों है। Thank you.
हाँ तो हमारे साथ इस वक्त जियोलॉजिस्ट उमर साहब हैं। तो मई में एक ऐसे लावा निकला था, तो इसके बारे में थोड़ी सी साइंस बताएंगे उमर हमें। ये वोल्केनो जो ना वहाँ से इरप्ट हुआ था मई में, और वहाँ से वोल्केनो से अंदर लावा निकला, लावा जो ना फ्लो करता करता जो ना इस तरफ आ गया, और उन्होंने आप अगर आप देखें वहाँ पे उन्होंने लावा को से बचाने के लिए उन्होंने इसको फ्लो किया है। तो जो ब्लैक वाला है वो रिसेंट वाला लावा है, वो सोलिडिफाई हो गया, जो ग्रीन है वो पुराना वाला है। तो इसको डाइवर्ट किया है उन्होंने, ये सीधा चला जाता वादी की तरफ। इसके लिए सुबह से बेताब थे, फाइनली लूनर मून में जा रहे हैं। लेट्स सी हाउ इट्स एक्सपीरियंस। अच्छा तो हम आ गए हैं आइसलैंड की सबसे फेमस जगह, जहां बहुत ज्यादा लोग सिर्फ इसीलिए आते हैं कि वहां जाके नेचुरल वार्म लेक में नहाएंगे। तो आए हमारे साथ, थोड़ा सा शायद आप लोगों को दिखा सकें कि यहां हम ब्लू लगून में थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, मजा करेंगे, बाहर दिखाते हैं इन टू द ब्लू लगून, जिसकी हम शुरू से ही कल्पना कर रहे थे फाइनली इसमें जा रहे हैं। क्या कर रहे हो बॉयज? लोग लगून के लिए तरस रहे थे, मजा आ गया, बहुत ही जबरदस्त जगह है। बहुत यहाँ ठंड है, यहाँ गर्मी है, ऊपर बर्फ पड़ी है, नीचे बारिश हो रही है। ओके जी, तो ब्लू लगून का हमने एक्सपीरियंस कर लिया, जिसके लिए हम सारे दिन से इंतजार कर रहे थे, बल्कि ये ट्रिप प्लान किया था, वन ऑफ द रीजन ब्लू लगून थी। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस बॉयज? बेहतरीन। एग्जैक्टली। तो खैर अब ब्लू लगून के बाद नेक्स्ट स्टॉप है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, 2-2.5 घंटे हमने स्विमिंग की है, सोना वगैरह लिया बॉयज ने, तो भूख लगी है। अब हम यहाँ के कोई लोकल ग्रोसरी स्टोर पर आए हैं, क्योंकि आइसलैंड इज रियली एक्सपेंसिव, तो हम बाहर ज़रा मुनासिब खाएंगे, लेकिन मोर देन नॉर्वे, हाँ इवन मोर देन नॉर्वे, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ी सी ग्रोसरी पिक करेंगे ताकि, और हम बी एन बी में रह रहे हैं तो थोड़ा बहुत हम कुछ घर में ही बना लेंगे ताकि हम थोड़ा सा सेव करें। तो चलें ग्रोसरी पिक करते हैं। बड़े समझदार है ये सर, हमें फॉलो ये भी नहीं पता कि हम नॉर्वे से, हम इनको फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता जिंदगी में। लेट्स सी, कॉल कर रहे हैं वो दोनों भी मुड़ गई हैं अब हमारे, हां वो दोनों लाइन में, आर्मी देखो लाइन में लग गई है। अब जरा अभी क्या हुआ, सारे आर्मी लाइन में लग गए यार, बड़ा जबरदस्त सीन हो गया इधर देखो, एडवेंचर हो गया एक्चुअली ना। एडवेंचर ये हुआ कि अभी जिस रोड से हम लोगों ने ब्लू लगून गए थे ना, तो वो रोड शायद गूगल उस पे मैप पर क्लोज आ रहा है, तो हम लोगों ने एक वैसी रोड ले ली ना जो गूगल दिखा रहा है डाइवर्जन, तो हम जिस गाड़ी को फॉलो कर रहे थे वो गाड़ी हमें फॉलो कर रही थी। सारे खड़े हुए, अब सारे हमारे पीछे खड़े हुए कि हम तो आप लोगों को फॉलो कर रहे थे, तो हम उनको बता रहे कि हम आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं, तो वो हो गया। तो यार एक मिनट बॉयज, चुप 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 चुप, इट्स सच अ बैड रोड, आई मीन इट्स रियली रियली बैड, यू नो I can share with you some like mobile yes, data. Yes, if you can confirm, is I it actually closed or hotspot? Hotspot. So maybe you can download the app and check. Are you sure? The Google says it's closed. There is no diversion. I have Wi-Fi. Oh, you have Wi-Fi as well. Okay, that's good. Ah, oh, okay. Thank you. Why are you asking me? I have Wi-Fi already. Road.is.
हाँ वही ऐप कह रही है जिसने बताया। Okay, I will do that. Thank you so much. Thank you. वो कह रहा है ये नहीं पॉसिबल, वो कह रहा है ये नहीं पॉसिबल, नहीं होता है ठीक है। जब लगेंगे तो सबके लगेंगे, we're not the only one. चलो ये तसल्ली तो है ना कि अकेले नहीं बढ़ेंगे जब लेने। तो अच्छा, तो आप लोगों को पता चला था हम एडवेंचर करके आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी रास्ते में, तो हमने देखा कुछ हलाल फूड के ऑप्शन थे, तो बीच में कुछ हमें नज़र आया खा रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है।